फ्रेंड्स, आज हम आलू की बहुत ही इजी टेस्टी सब्जी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने और बिल्कुल नए तरीके की से इसको बनाकर रेडी किया। इसके लिए मैंने ये चार आलू लिए। आलू हमारे इस साइज के, इसको हमने छील कर तीन चार पानी से धुलकर इसका पानी निकाल कर रेडी कर लिया है। ये देखिए, आलू के पीस हम इस तरीके से कतले के रूप में, कतले की तरह काट कर रेडी करें। जिस तरीके से हम लोग पकौड़ी बनाने के लिए आलू का पीस काटते हैं, हम उसी तरीके से इसके आलू के पीस काट कर रेडी करेंगे। सारे आलू हम इसी तरीके से काट कर रेडी कर लेंगे। तेल हमने गरम होने चढ़ा दिया था। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो ये आलू हमने कट करके रखे हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और लीड लगाकर ढक देंगे। अभी हम इसके अंदर कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, हम ना इसके अंदर प्याज डालेंगे, ना लहसुन डालेंगे, ना टमाटर डालेंगे। बिना इन चीज़ों के भी ये सब्जी खाने में बहुत टेस्ट लगती है। और सबसे खास बात ये क्या है इस सब्जी की कि आप इसको सफ़र में ले जाएंगे तो भी ये सब्जी खराब नहीं होती है। अब हम इसको ढक देंगे। ये देखिए, आलू हमारे अच्छे से गल चले। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से, ये देखिए, हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको फिर से हम थोड़ी देर के लिए लीड लगाकर ढककर पकने के लिए चढ़ा देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा खटाई पाउडर डालेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये सफ़र में ले जाने पर ये सब्जी खराब भी नहीं होती। आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ट्रेवलिंग में। ये देखिए, हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हमने अपनी सब्जी को बाउल में ट्रांसफर कर लिया। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी टेम्पटिंग बनकर रेडी हो रही है। और हाँ दोस्तों, हम अपना वीडियो फेसबुक पर भी डालते हैं, वहाँ पर जाकर भी आप हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।